हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पहुंचे यहां पर क्रिकेट खेलने। अस्सलाम वालेकुम। सभी सारे बैंकर्स जो कि पूरे दिन अंदर ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन आज कुछ वार्म अप के लिए आए हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जगदीश जी, गरीब जी है छोटा जो कि मुजफ्फरनगर 11 से है, नितेश जी है और मनोहर जी। जी हाँ दोस्तों, देखिए अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हमारा लोकल स्टेडियम और मनोहर जी ने है जो पहली बॉल डाली है नितेश जी को। जी हाँ दोस्तों, आज हमने सुबह से प्लानिंग बना ली थी और हम 7:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच गए। मनोहर जी ने अल्पहार की व्यवस्था की थी, उनके घर पर अल्पहार करके और उसके पश्चात हम यहाँ पर पहुँचे। या दोस्तों देखिए, शानदार सभी फील्डिंग में लग चुके हैं और विभिन्न बारी बारी से जो है अपनी जो बैटिंग और बॉलिंग का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने नितेश जी, इधर गरीबदास जी, देखिए दोस्तों, और मनोहर सर हैं अपनी बॉलिंग से सबको कायल कर रहे हैं। खतरनाक बॉलिंग उनकी। या देखिए, अशोक जी बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त। दास जी की फिर की गेंदबाजी के सामने अशोक जी का टिकना बहुत ही मुश्किल है। अब ये लगा चौका, ये मारा, वो ग्रैंड शॉट अशोक जी द्वारा, ग्रैंड शॉट। जगदीश जी भी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। देखिए दास सर के सामने, दास सर जगदीश जी को बैटिंग कर बॉलिंग करते हुए और जगदीश जी ने लगाया एक जबरदस्त शॉट। जी हाँ, फील्डर तैनात हैं और देखिए सभी जो हैं, सारे बैंकर जो हैं बारी बारी से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबरदस्त एकदम। दास सर आज कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करते हुए। देखिए मैं भी बैटिंग कर रहा हूँ वापस। दास सर के सामने खतरनाक बॉलिंग उनकी। दास जी बॉल डालते हुए मनोहर जी को और ये निकली चौके के लिए, वो शानदार बॉलिंग भाई दास जी, मनोहर जी को एकदम बीट करते हुए और अगेन फिर बॉलिंग के लिए दास जी अपनी कमर को लचकाते हुए। हाँ, ये दास जी ने फेंकी बॉल और ये चौका, ओ वाओ क्या बॉल है। ओ क्या बैट घुमाया था दास जी ने, मजा आ गया। कहाँ गई? मुझे नहीं पता किधर गई। और फेंकोगे? हाँ, इससे भी ज्यादा स्पीड में आने की। अब बॉल लेके आओ यार, ऐसे मत करो दास जी। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहा है। सुबह सुबह जो है आज रामनवमी के दिन ग्राउंड पे आ गए, तो जो दैनिक जो रूटीन होती है उससे बदल कर आज हमने जो है क्रिकेट का आनंद लिया। जी हाँ, इस खेल में जो है आपके जो पूरे शरीर का एक वार्म अप हो जाता है और पूरा दिन जो है आप एकदम तरह से रिफ्रेश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 घंटे अच्छे से क्रिकेट खेल लेते हैं तो जो आपकी जो एक्सरसाइज है, हफ्ते भर की एक्सरसाइज हो जाती है लगभग, क्योंकि ये जो है आपके पूरे शरीर को एडजस्ट कर देता है और आपको विभिन्न दिशाओं में जब आप दौड़ लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, तो ये जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें सब जगह से जो संतुलन बना देता है और ये जो है आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। जी हाँ, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और भारत सरकार भी इसी के संदर्भ में जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम चला रही है, ताकि जो है, और राजस्थान सरकार तो है, ये मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने जो भी है खेलो राजस्थान और इसके अलावा भी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक जो है प्रतियोगिताएं करवाई है, जिसकी वजह से जो है हम नागरिकों में खेलों के प्रति जो महत्व है उसका पता लगे और जो है इससे जो है आप विभिन्न रोगों से भी बच सकते हैं, साथ ही अपनी शरीर को जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे दिमाग में ऐसा ही आइडिया था कि हम 1-2 दिन पहले ही हमने प्लानिंग की थी कि जो है, क्योंकि आज छुट्टी है, रामनवमी है, तो इस दिन अपन सुबह चलेंगे और 1-2 घंटे जो है क्रिकेट खेलेंगे, ताकि काफ़ी दिनों से जो हमने एक्सरसाइज नहीं की है या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन जो है ऑफिस काम रहता है, सिटिंग जॉब रहता है, तो आज उसी का आनंद ले रहे हैं और सभी जो है अपनी विभिन्न प्रतिभाएँ हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दास सर ने भी आज खतरनाक बॉलिंग की है, जगदीश जी और मनोहर सर ने भी अपने जो है बॉलिंग और बैटिंग के जलवे से सबको
अचंभित किया है। हाँ, सबका सफल नहीं करूँगा, एकदम सफल प्रयास रहा और सबको आनंद भी महसूस हुआ। जगदीश जी जिनको आज सुबह क्रैम्प आ गया था वो भी अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हम जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अभी हम ख़त्म करते हैं इसको।